जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो से हमारे रामायण यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तक मैंने आपको बताया कि प्रभु श्री राम अयोध्या से चलने के बाद कहाँ कहाँ पर गए, कहाँ कहाँ पे विश्राम की। हम पूरे दंडकारण्य की यात्रा करके पंचवटी पहुंचे और पंचवटी में मैंने आपको बताया कि कहाँ से रावण ने सीता जी का हरण किया। आज की इस वीडियो से मैं आपको उन सारे जगहों के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम जी सीता जी की खोज में गए थे। रावण जब सीता जी को हरण करके लंका की ओर जा रहा था तो सबसे पहले उन्हें पक्षीराज जटायु जी ने जाते हुए देखा था और जटायु जी ने रावण को रोकने का भरपूर प्रयास किया। जटायु जी ने रावण के साथ युद्ध किया और जब रावण ने जटायु जी के पर काटे तो जटायु जी गिर कर इसी जगह पर जहाँ पे मैं अभी हूँ, ताकेड़ गाँव, महाराष्ट्र के ताकेड़ गाँव में गिरे थे। प्रभु श्री राम जब सीता जी की खोज में निकले तो सबसे पहले वो यहीं पर ताकेड़ गांव में पहुंचे और ताकेड़ गांव में प्रभु श्री राम को पक्षीराज जटायु जी मिले और जटायु जी ने ही प्रभु श्री राम को बताया कि रावण सीता जी को हरण करके लंका की ओर गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ताकेड़ में स्थित सर्वतीर्थ के दर्शन करेंगे और महिला सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाले जटायु जी के दर्शन कराऊंगा। अभी मैं यहाँ पर ताकेड़ गांव में पहुंच चुका हूँ, मंदिर बिल्कुल मेरे पीछे है। तो पहले हम यहाँ से मंदिर चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और यहां पर आने के बाद आप मंदिर में कैसे दर्शन कर सकते हैं और मंदिर में क्या क्या चीजें आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर में आने का प्रवेश द्वार है। इसी गेट से आप अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में जाने के लिए यहां से नीचे रास्ता है, हम अंदर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर पहुंच कैसे सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये काफ़ी आउटसाइड है और बहुत कम ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती है। तो ताकेड़ गाँव सर्वतीर्थ आने के लिए आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक शहर या तो फिर आपको इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। नासिक शहर जो है वो यहाँ से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पे है। हर सुबह 8 बजे नासिक के CBS बस स्टैंड से, सेंट्रल बस स्टैंड से यहाँ ताकेड़ गांव सर्वतीर्थ आने के लिए एक बस चलती है। तो आप अगर नासिक से आ रहे हैं तो सुबह सुबह आपको सिर्फ एक ही बस मिलेगी जो आपको यहाँ पर ताकेड़ लेके आएगी। वो बस यहाँ पर 10 बजे पहुँचती है और फिर दोपहर को 12 बजे वो जो बस है वो नासिक के लिए जाती है। आपको 2 घंटे मिल जाएंगे, आप यहाँ पर मंदिर में आके दर्शन करके नासिक जा सकते हैं। तो नासिक से आने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही बस का ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आएंगे तो CBS से आपको घोटी आना होगा और घोटी के बाद फिर 20 किलोमीटर आपको अंदर दूसरी ऑटो या जो जीप बोलेरो चलती है वो बोलेरो लेके आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। तो अगर आप नासिक से आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन सुबह 8 बजे वाली बस ही है, आप वो बस से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे, वरना उसके बाद आपको गाड़ियाँ बदल बदल के आना पड़ेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है इगतपुरी है। इगतपुरी जो है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इगतपुरी एक हिल स्टेशन है और इगतपुरी में सारी ट्रेन रुकती है। भारत के हर कोने से आने वाली ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो आपको इगतपुरी रेलवे स्टेशन के बाहर से घोटी के लिए जो है ऑटो मिल जाएगी, 100 रुपये ऑटो वाले लेते हैं, वो आपको घोटी लेकर आएंगे और घोटी के बाद फिर आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। आपको यहाँ घोटी से यहाँ आने के लिए जो है आपको ऑटो या जीप मिल जाएंगी। तो यहाँ आने के लिए ये 2 ऑप्शन है, नासिक से एक बस है और इगतपुरी से जो है आपको जीप या ऑटो मिल जाएगी जो आपको यहाँ पर लेकर आएगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। सर्वतीर्थ मंदिर तक आने के लिए अच्छे रोड बने हुए हैं। तो दोस्तों ये हैं यहाँ पर आने के ऑप्शन। अब मैं यहाँ से मंदिर में चलता हूँ। जब आप मंदिर के बाहर आएंगे तो ये एक गाँव में है, ताकेड़ गाँव यहाँ से 1 किलोमीटर है और बाहर आपको कुछ दुकानें दिखेंगे। तो आप मंदिर के बाहर देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा दुकानें नहीं है, कुछ 3-4 दुकानें हैं वो भी अभी बंद है। और यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको मैं बताता हूँ अंदर मंदिर कैसा है। मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ पूजा प्रसाद की दुकान है, खिलौने की दुकान है, आप ये ले सकते हैं। आ रहा लेते हैं, ये प्रसाद की दुकान है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। क्या नाम है? दर्शन परदेसी। दर्शन परदेसी, कितने का है थाली? 50 का थाली, ठीक है आके लेते। और ये दुकानों के सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मंगल कार्यालय, शादी और कोई पूजा प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आपको हॉल दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। और यहाँ से मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता, आगे चलते हैं अंदर। मेरे साथ में यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री अंबादास महाराज जी। तो महाराज जी हमारे साथ आए हैं यहाँ पर और महाराज जी अब हमें ये मंदिर में ले जाएंगे और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं यहाँ की सारी जानकारी देंगे।
तो महाराज जी कुछ कहेंगे आप? जरूर, यहाँ जब सीता माता का हरण हुआ, जटाओ और रावण का युद्ध हुआ, यही जगह में ये जटाओ मंदिर है। जटाओ मंदिर के पीछे राम जी ने बाण मारा है और ये पैगरा राजों का राजा है। जब भगवान ने बुलाया तब न आया, बाद में आया, इसके लिए उसका निर्माण बाद में हुआ। ये जो गांव है ताकेड़, ये तो बहुत ही सुंदर जगह पे, इगतपुरी जो है ये एक महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। हाँ। और यहाँ पर आसपास पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो जगह है जहाँ पर ट्रैकिंग्स होती है, जैसे कलसुबाई, बिटानगढ़। हाँ। ऐसे सारे जो जगह है, भंडरदारा भी है, वो यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे फूलों की खेती भी होती है अलग अलग तरह के, और यहाँ पर इस मंदिर को भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। तो आप पंडित जी हमारे साथ में है और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है। तो जैसे आप यहाँ पर मंदिर के अंदर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको माँ दुर्गा जी का मंदिर मिलेगा। तो हम चलते हैं माँ दुर्गा जी के मंदिर में। नासिक के पास में एक मनी करके जगह है जहाँ पे सप्तशृंगी माता का मंदिर है। तो उनके बड़े बहन के रूप में ही माँ दुर्गा जी को जो है यहाँ पर स्थापित कराया गया था। तो सर्वतीर्थ में जो पहला मंदिर है वो आपको दुर्गा जी का मंदिर मिलेगा। दुर्गा जी का हम दर्शन करते हैं और इसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दुर्गा जी के दर्शन के बाद यहाँ जो दूसरा प्रमुख मंदिर है वो यहाँ पे एक महंत जी हुआ करते थे जिनका नाम था श्री राम लखन जी महाराज। तो ये उनकी समाधि स्थल है, उनका समाधि स्थल आपको दिखेगा। तो मैं अंदर आता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे संगमरमर से एक तो ये बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है और मंदिर के पास में ही यहाँ पर जो है महंत जी ने समाधि ली थी, तो उनका ये समाधि स्थल है। अंदर जो है महंत जी की मूर्ति है। मैं अंदर चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। महाराज जी जो है इनका नाम श्री राम महाराज जी था और इन्होंने यहाँ पर सर्वतीर्थ में बहुत बहुत सालों तक सेवा की है। और यहाँ पर जो मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह हुआ है ये बाबा जी के समय पे हुआ था। कौन से सन में इन्होंने समाधि ली? ये ना, 2006 में। तो 2006 में बाबा जी ने यहाँ पे समाधि ली, तो उनका समाधि स्थल है। आपको यहाँ पर ताकेड़ गांव में जब आएंगे तो आपको जो दूसरा स्थान मिलेगा वो ये समाधि स्थल मिलेगा दुर्गा माता के मंदिर के बाद। और समाधि स्थल से आप दर्शन करते हैं तो फिर आप आगे मंदिर में चलते हैं और दुर्गा जी के और समाधि स्थल के दर्शन करके यहाँ से फिर आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक शिव जी के मंदिर के दर्शन होंगे। मनकामनेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको शिव जी के दर्शन होंगे। ये शिव मंदिर है। यहाँ पे नंदी जी हैं, नंदी जी के दर्शन करके आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा, काफ़ी बड़ा जो है शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मनकामनेश्वर महादेव के जैसे दर्शन करके आप यहाँ पे आएंगे आगे। यहाँ पे एक खुला मंदिर है जो सती माता को समर्पित है। यहाँ पे एक ऐसी मान्यता है कि जो लोग जल जाते हैं, जो आग से जल जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आके मंदिर में जो पूजा कराया जाए या मन्नत मांगा जाए, यहाँ पे अनुष्ठान कराया जाए, तो सती माता के आशीर्वाद से जो जला हुआ व्यक्ति है उसके जो जख्म है वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वतीर्थ में मनकामनेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने और समाधि मंदिर के सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको माता के दर्शन होंगे। और बिल्कुल पेड़ के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कोई छत नहीं है। और यहाँ पे मंदिर के पास तो कुछ लकड़ी के जो है यहाँ पे शरीर के अंग बनाए गए हैं। ये जैसे पैर का चिन्ह बनाया गया है, ये देखिए, ये पूरा पैर का पंजा है वो, ये पूरा पैर है और इसके आगे यहाँ पे हाथ है। तो इस तरीके से शरीर के अलग अलग अंगों को लकड़ी से बनाया गया है और यहाँ पे पूजा की जाती है। तो किसी के घर में जब कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। जिस शरीर में जला हुआ है उस शरीर के अंग को जलाया जाता है। पंडित जी हैं जो पूरे विधि से पूजा करते हैं और वो विधि से पूजा करने के बाद ऐसी मान्यता है कि वो जो जख्म है, घाव है, जो आग से जला हुआ, वो ठीक हो जाता है। तो आपको सती माता के दर्शन होंगे और सती माता जी के आप जैसे दर्शन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर मिलेगा। ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है जो प्रभु श्री राम जी का है। अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के दर्शन होंगे। यहाँ पे भगवान गणेश जी की स्थापना की गई है श्री राम मंदिर के अंदर। काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया है। तो गणेश जी के आप दर्शन करके आप आगे आते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है। अंदर चलते हैं हम। श्री राम लखन दास महाराज जी जो है उनकी जो यहाँ पे फोटो फ्रेम लगी हुई है और उसके आगे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं।
तो यहाँ पर आपको गर्भगृह में श्री राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ सर्वतीर्थ में जो प्रमुख श्री राम जी का मंदिर है वो यही मंदिर है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति की स्थापना की गई है और उसके साथ साथ में यहाँ पे और भी देवी देवता स्थापित किए गए। ये जो मंदिर है, जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, ये पहले लकड़ी का मंदिर था। ये पूरे लकड़ी से बने हुए थे, प्राचीन लकड़ी थे, शीशम के लकड़ी के ये सारे मंदिर बने थे। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और अब आप देखेंगे तो काफी सुंदर और भव्य मंदिर है ये सर्वतीर्थ में। तो यहाँ पर श्री राम जी के मंदिर के पास में ही यहाँ पर महालक्ष्मी जी की स्थापना की गई है। ये महालक्ष्मी जी की मूर्ति है यहाँ पर। और फिर यहाँ से दर्शन करके आप जो चलते हैं सर्वतीर्थ के जो मुख्य जगह पे, तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं और आपको जो जटायु जी का जो मंदिर है, जटायु जी के दर्शन कराते हैं। प्रभु श्री राम ने यहाँ पर बाण चलाकर कुंड का निर्माण किया था, तो वो कुंड के भी दर्शन मैं कराता हूँ। यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। यहाँ पर सर्वतीर्थ है, यानी सारे तीर्थों का जो जल है वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसे जो एक खोल के जमीन के अंदर है उसे निकाला जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज छुट्टी का दिन है और दर्शन करने के लिए काफी लोग आए हैं। ये एक फैमिली है जो घोटी से आए हैं। कहाँ से आप लोग? घोटी से आए? क्या नाम है? ओमकार। ओमकार, आपका? आदिराज। आदिराज। सिद्धि, नासिक से। नासिक से? अरुणा, नासिक से हूँ। अच्छा, आप लोग? मालेगांव से। मालेगांव से? अच्छा, हेमराज देवरे, मालेगांव से। तो आप लोग तो हमेशा आते रहेंगे यहाँ पे ना? क्या नाम है तुम्हारे यूट्यूब चैनल का? अवंती। अवंती 0603। अच्छा अच्छा, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जटायु जी जो थे वो महिला सुरक्षा के लिए, किसी महिला के जान बचाने के लिए उन्होंने एक संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ा था, अपने प्राण दिए थे। इसलिए प्रभु श्री राम ने तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ इसी जगह पर, इसी सर्वतीर्थ में उनका अंतिम संस्कार किया था। उनके मृत्यु के पहले प्रभु श्री राम ने यहाँ पर एक बाण चलाकर जमीन से गंगा जी को प्रकट किया था और गंगा जी का पानी जो है वो जटायु जी को पिलाया था। तो यहाँ पर सर्वतीर्थ में जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको वो कुंड के दर्शन होते हैं। यहाँ पे पीछे कुंड है, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। जहाँ पे प्रभु श्री राम ने कुंड का निर्माण किया था उसे पूरा घेरा कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे तो दीवार बना दिए और दीवार के अंदर कुंड है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये पूरा यहाँ पे दीवार किया गया है, दीवार बनाया गया है और दीवार के पीछे जो है यहाँ पे वो कुंड है और वहाँ पे आपको दिखेगा एक झंडा है। तो उस झंडे के नीचे ही जो बाण चलाया गया, कुंड का निर्माण हुआ था, उसी का पानी वहाँ से जो है यहाँ पे सर्वतीर्थ के अंदर आता है, जो यहाँ का प्रमुख जटायु मंदिर है। तो अब मैं यहाँ से मंदिर के अंदर चलता हूँ और आपको जो है यहाँ सर्वतीर्थ में जटायु मंदिर के दर्शन करूँगा। ये है यहाँ पर जटायु जी का प्रमुख मंदिर और मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम जी जटायु जी को अपने गोद में लिए हैं, ऐसी मूर्ति की स्थापना की गई है। जिस जगह पे मंदिर का निर्माण हुआ है उसी जगह पर अपनी अंतिम सांसें प्रभु श्री राम जी के गोद में लिए थे और प्रभु श्री राम जी ने जो है जटायु जी को मोक्ष की प्राप्ति दिलाई थी। तो देखिये मंदिर का गर्भ भी कुछ इस तरह से है। यहाँ से आप प्रवेश करते हैं, सामने जो है प्रभु श्री राम जी की और जटायु जी की जो मूर्ति है यहाँ पर, बहुत सुंदर मूर्ति है। उसके अलावा यहाँ पे और भी जटायु जी की मूर्ति है, राम जी के चरण पादुका है। हाँ, और यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण और यशोदा माता जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। पीछे जो कुंड है, कुंड के बाद जो पानी है वो यहाँ पे आता है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर के गर्भगृह में भी एक कुंड है, ये खुलता नहीं है लेकिन इसके अंदर जो है नीचे पानी आता है और ये गर्भगृह के अंदर जहाँ पे बिल्कुल जो मूर्ति है वो मूर्ति के नीचे यहाँ पर पानी आता है और उसके बाद यहाँ से जो पानी है वो बाहर जो है वो कुंड में जाता है। तो मैं आपको बाहर कुंड भी दिखाता हूँ। शाम का समय हो गया, हमें यहाँ पे आने में काफ़ी देर हो गया, अंधेरा होने आया, तो अंधेरा होने के पहले मैं आपको यहाँ के सारे स्थान दिखा देता हूँ। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी ने जटायु जी के अंतिम संस्कार के लिए 7 जो प्रमुख तीर्थ हैं, 7 जो नदियाँ हैं, उन 7 नदियों को यहाँ पर बुलाया था और 7 नदियों के जल से वो जटायु जी का जो है अंतिम संस्कार करने वाले थे। तो 6 जो नदियाँ हैं वो पहले पहुँच गई थी और जो 7वीं नदी है वो बाद में आई, वो देर से आई। तो जो यहाँ पर जब आप सर्वतीर्थ में आएंगे तो आपको 6 कुंड एक साथ दिखेंगे और उसके अलावा जो 7वां कुंड है वो अलग से है। तो मैं आपको वो 7वां कुंड दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक कुंड है जो अलग है, ये 7वां तीर्थ है और यहाँ पे भी पानी होता है। तो ये नीचे है, यहाँ से सीढ़ियों से ऐसे जाना पड़ता है और इस तीर्थ के पास में यहाँ पर एक शिवलिंग है जो जमीन के अंदर है।
है और लोग जो हैं यहाँ पर हाथ अंदर ज़मीन में डालकर शिवलिंग निकालते हैं और वो जो शिवलिंग है वो सबको नहीं मिलता है, जो कहते हैं जिसे मिल गया उसकी सारी जो मनोकामना वो पूरी होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो नंदी जी हैं, नंदी जी के सामने एक शिवलिंग की स्थापना की गई और यहाँ पे देखिए ये तो ये होल है, इसके अंदर हाथ डाला जाता है और हाथ डाल के जो है वो शिवलिंग को निकाला जाता है। हाथ ज्यादा का काल अरे हाथों से नहीं पूरा नहीं मिला तो नहीं मिला, अब मैं कोशिश करता हूँ, देखते मुझे मिलता है कि नहीं। ठीक है ठीक है, चलो हर महादेव, हर हर महादेव। तो मिल गया मुझे शिवलिंग, तो ये शिवलिंग ऐसे मिलता है, ये मैंने मुझे शिवलिंग मिल गया और यहाँ पर लेके जाते हैं सामने जो कुंड है उस कुंड में इसका अभिषेक करा के फिर से यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो चलते हैं आगे कुंड के पास, चलो चलो मिल गया उनको, उनकी इच्छा पूरी हो गई। वो जो सातवें तीर्थ के पास से आपको शिवलिंग मिलता है और उस शिवलिंग को लेकर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे छह कुंड है, मैं चलता हूँ यहाँ पर। तो सर्व तीर्थ के जो कुंड है, जो छह कुंड है वो यहाँ पे है। तो ये देखिए ये कुंड है, इसमें आप इस कुंड में जो है ये शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, इन शिवलिंग को आप जो है नहला के। तो हम अभिषेक कराकर शिवलिंग को लेके आ गए और इसे फिर से हम जो है ये शिवलिंग के अंदर लाते हैं। मैं यहाँ पे शाम को 4 बजे पहुँचा, सर्दियों का मौसम है, मुझे लगा था 6-7 बजे तक उजाला होगा लेकिन 5:30 बजे ही आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया। ये जो जगह है हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो सिर्फ 5:30 बज रहा है और ऐसा लग रहा है कि रात के 9 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ के प्रमुख स्थान तो दिखा दिए और यहाँ पे ये एक कुंड है, ये आप देखेंगे तो ये लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। ये बाद में बनाया गया कुंड है, जो प्रभु श्री राम जी ने जो बाण चला के जो कुंड का निर्माण किया था वो पीछे से पहले मंदिर में जाता है, मंदिर से फिर जो 6 कुंड है वहाँ पे जाता है और उसके बाद ये जो है यहाँ पे आता है और यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। इसके आगे आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है और ये भगवान दत्तात्रेय की यहाँ पे त्रिमुख मूर्ति की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आपको सर्वतीर्थ में भगवान दत्तात्रेय के भी दर्शन होंगे और इन कुंड के आगे जब आप आएंगे अंतिम में आपको यहाँ पर जो है संत निवास मिलेगा, जो यहाँ पे संत रहते हैं उनके रहने के लिए यहाँ पे निवास है। यहाँ पे कोई भक्त निवास अभी बने नहीं है लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे और रात बिरात में आप यहाँ पे पहुँचे तो आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी ये संत निवास में। हम इससे पहले वर्कला गए थे, वर्कला में जटायु अर्थ सेंटर है, जटायु पार्क बनाया गया है, बहुत सुंदर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बर्ड स्कल्पचर है, मैंने आपको उसके भी दर्शन कराए थे। तो वो स्थान को भी ऐसा वहाँ दक्षिण में माना जाता है कि वहां पर प्रभु श्री राम जटायु को मिले थे लेकिन भारत सरकार ने जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के जो स्थान की जगहों की खोज की है उसमें ये जो स्थान है सर्वतीर्थ जटायु मंदिर ये स्थान रजिस्टर्ड है। तो ये प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़ा हुआ स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में सबसे पहले आए थे। इसके बाद और भी बहुत सारे तीर्थ स्थान है, ये करते करते हमें यहाँ से कर्नाटक हम्पी पहुंचना है जहाँ पे प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी मिले थे। उसके बाद हम रामेश्वरम जाएंगे और रामेश्वरम के बाद सीता जी की खोज में हम श्रीलंका पहुंचेंगे। तो आज का जो वीडियो था वो पहला स्थान था जहां पर प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में आए थे और आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और आपको मिलूंगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, गुड डे, सी यू, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्ची रो रही है, आप काफ़ी देर से उसका आप लोगों को आवाज़ आता है।